क्या आपको पता है इस बार का इलेक्शन सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। इस बार पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। सब जानना चाहते हैं आखिर कौन जीतेगा। आप भी कमेंट में बता सकते हैं आखिर कौन जीतेगा। आज से ठीक एक दिन के बाद 4 जून को इलेक्शन का परिणाम आ रहा है। किसी को लगता है बीजेपी वापस सत्ता में आएगी और लगातार 3री बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, और वहीं किसी को लगता है इस बार सरकार बदलेगी और सरकार चेंज होकर इंडिया अलायंस सत्ता में आएगी। इस बीच हमने काफ़ी ये लफड़े देखने को मिले, कभी ध्रुव राठी वर्सेस नरेंद्र मोदी, कभी राहुल गांधी वर्सेस मोदी, और कभी मोदी वर्सेस ओपोनेंट पार्टी। हमारे भारत देश में EVM से वोटिंग होती है। यह भारत के साथ अन्य देशों में भी यूज़ होती है, जैसे नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, UAE है, बेल्जियम है, नामीबिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, और कई ऐसे देश भी है जहाँ पर EVM मशीन को बैन कर रखा है, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, 4 जून की। तो बहुत से एग्जिट पोल आ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं अब की बार यह सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी, बट चुनाव परिणाम से पहले सबसे अहम रोल होता है वोटों की काउंटिंग। आइए समझते हैं आखिर कैसे होती है वोटों की काउंटिंग। वोटों की काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल होते हैं। एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के लिए होता है। काउंटिंग टेबल पर उम्मीदवार या एजेंट को सेंटर पर मौजूद रहने की परमिशन होती है। वोटों की गिनती अलग अलग राउंड में होती है। हर राउंड में 14 EVM के वोट गिने जाते हैं। एजेंट से फॉर्म C-17 हस्ताक्षर करवाया जाता है, फिर RO को दिया जाता है। काउंटिंग हॉल में एक ब्लैक बोर्ड भी होता है जिसमें डिटेल लिखते हैं। इसमें हर राउंड के बाद प्रत्याशी को कितने वोट मिले यह लिखा जाता है। इसके बाद लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट की जाती है और उसे ही ट्रेन कहा जाता है। काउंटिंग हॉल के अंदर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इस तरह वोटों की काउंटिंग होती है।